नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुशखबरी है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, आरआरसी ग्रुप डी के रिगार्डिंग बहुत बड़ा खुशखबरी है। देखिए, जब से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था उसी दिन से मुझे कई सारे मैसेजेस मिले थे, तब मैं उसी दिन से ही बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होगी और बिल्कुल होगी, 100% होगी। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता था कि आपका जो फॉर्म ऑफ रिजेक्शन था उसको दोबारा सुधारने का मौका देगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बताता है, पिछला एक्सपीरियंस बताता है। तो बहुत सारे लोग इसको डिसलाइक भी किए थे और अभी भी करेंगे, क्योंकि उनको तो दूसरे के बारे में मतलब उतना मतलब है नहीं। जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उनका दर्द मतलब समझ सकते हैं। तो मैं शुरू से बता रहा था आपको कि आपका फॉर्म है वो दोबारा भरने के लिए मौका दिया जाएगा। आज एक नोटिस आया है, वो आपके लिए खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि इस नोटिस में ये दे रखा है कि इतना दिन के अंदर आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उसके लिए आपको दोबारा मौका दिया जाएगा। हम सबसे पहले पटना के वेबसाइट पे आ जाते हैं, आरआरबी पटना के वेबसाइट पे आ जाते हैं और इसको डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। आज ही के डेट में ये 11 का डेट का है, तो इसको डाउनलोड करने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 11 अगस्त 2019 का नोटिस है। तो यहाँ पे जैसे ही हम डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे एक नोटिस खुलती है। नोटिस में लिखा हुआ है, ऑल द कंप्लेंट्स रिसीव्ड रिगार्डिंग रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ फोटोग्राफ सिग्नेचर ETC आर बीइंग एग्जामिन्ड। द फाइनल आउटकम विल बी इंटीमेटेड टू ईच एंड एवरी कैंडिडेट इंडिविजुअली थ्रू SMS एंड ईमेल लेटेस्ट बाई 31/8/2019। यानी कि 31/8/2019 यानी कि पूरा जो अगस्त है, अगस्त तक आपसे संपर्क किया जाएगा और उसके बाद आपको लिंक दिया जाएगा कि आप अपना जो फॉर्म है सिग्नेचर जिसकी वजह से भी रद्द हुई है उसको सुधार लें। तो यानी कि आपको एक प्रॉपर मेल भी आएगा, SMS भी आएगा, 31 अगस्त तक आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने शुरू से ही कह रहा था कि आप वेट कीजिए, तो कई लोग कह रहे थे 31 जुलाई तो हो गया सर, अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम कह अरे भाई, थोड़ा मतलब कि आप जानते हैं रेलवे का प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि आप अभी 2019 में हैं और 2020 में हो सकता है स्टेटस जारी करे आपका ग्रुप डी का, तो मतलब कि थोड़ा प्रोसेस में है। लेकिन आपका जो भी है, जितने भी क्वेरी हैं उसका मतलब कि मुझे जितना भी लगता है कि मैं अपने तरीके से समाधान कर सकता हूँ या आपको तसल्ली दे सकता हूँ कि हाँ ऐसा होगा, वैसा मैं शुरू से ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से आप लेटेस्ट न्यूज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ कि ग्रुप डी में क्या चल रहा है, JEE में क्या चल रहा है, आपके NTPC में क्या चल रहा है, उसके बारे में आपको तत्काल न्यूज मैं देता रहूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी ही है आप लोग के लिए, अच्छी ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।